आज हम बीन्स से एक सिंपल और झटपट बनने वाली सब्जी बनाएंगे जिसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। वेलकम टू फन फ्रेम्स। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। लेट्स स्टार्ट। बीन्स तोरण बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो बीन्स लिया है। इसे धोकर बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने बीन्स छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चलिए अब तोरण बनाते हैं। काट के रखा हुआ बीन्स मैंने इस बोल में डाला है। इसमें डालेंगे 8 से 10 छोटी प्याज बारीक कटी हुई। छोटी प्याज या शैलेट्स ना हो तो आप नॉर्मल प्याज भी यूज कर सकते हैं। 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 छोटा कप फ्रेश घिसा हुआ नारियल, 1/4 स्वादानुसार नमक भी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीन्स, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी और नमक डालकर मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसका तड़का बनाते हैं। गर्म पैन में 2 टेबलस्पून नारियल का तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे करी लीव्स, 1/2 कप। अब हम इसमें मिक्स करके रखा हुआ बीन्स ऐड करेंगे। इसे हम धीमे आंच पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पका लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, बीन्स से जो पानी निकलेगा उसी में इसे पकने देंगे। ध्यान रहे इसे बीच में स्टिर करना है ताकि ये नीचे ना चिपके। अगर आपको लगता है कि ये पैन पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। बीन्स तोरण बन गया है। अब हम इसे सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर लेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।